Assalamualaikum my dear student. Today we are going with the concept of enterprise and resources and planning. Okay, so let me start with that. What previous video we already gone what is enterprise, what is resource and what is planning. Now I am going with what are the concept, what are the things which are included in this. Here we will be having product also, inventory, service, all these modules will together form an enterprise resource planning. Okay, so let me show you one more diagram, that is a central database. What is a database? It is a collection of all the data. So central database is the collection of all the data from the customer to the supplier, and it is also considered of human resource management and corporate reporting. Okay, and here if you have seen in the customer, it is having sales and distribution, service and application. And in the supplier chain, you will be seeing financial application, manufacturing and inventory management. Together this thing will be all these points will be interrupted in the central database. Okay, all these data will be collected in your central database, whatever reporting you want, that also it is having the relation of 1:1. Okay, so hope you understand architecture of ERP. Now going with one more module of that ERP system consists of what? Human resource, that is HR, data warehouse, that is the warehouse where all the data is collected, manufacturing, financial, project, supply chain management and customer relationship management. To if you have seen this, all these are related to a making of ERP system. Next here we have functional unit of ERP. First is financial module, second is manufacturing module, third is production planning module, fourth is HR module, fifth is inventory control module, sixth is purchasing module, seventh is marketing modules, and eighth is sales and distribution, and not least quality management module. तो ये सारी चीज ईआरपी को फंक्शनल यूनिट बनाता है. ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग स्टेप बाय स्टेप जाऊंगी फंक्शनल यूनिट मॉड्यूल में. लेट मी गो विद द फंक्शनल यूनिट मॉड्यूल. अब आप इस फाइनेंशियल मॉड्यूल में आप क्या देख रहे हैं, क्या एक्सपेंसेस है, क्या इनकम है, क्या फीस है, टुगेदर मेक अ फाइनेंशियल मॉड्यूल. अब इसके अंदर ये सब पैकेज, जो भी ईआरपी का सॉफ्टवेयर पैकेज, ये सबसे कोर पैकेज है, कोर मॉड्यूल है. और यहाँ पे सारे डेटा, फाइनेंशियल डेटा कलेक्ट होता है, और ये एक रिपोर्ट जनरेट करता है, लेकिन लेजर्स के, ट्रायल बैलेंस के, फाइनेंशियल डबल बुक्स एंड ऑल दिस, जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी होगा वो फाइनेंशियल मॉड्यूल के अंदर वो सेटअप होता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, तो ये मॉड्यूल सब कुछ इंक्लूड करता है. स्टेप वी आर हैविंग मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल. अब मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इस डायग्राम में क्या दिख रहा है, मटेरियल दिख रहा है, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग दिख रही है, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट दिख रहा है, मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड दिख रहा है, और शॉप फ्लोर कंट्रोल, कि शॉप में कैसे कंट्रोल. तो जो ये टुगेदर जो है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाला मॉड्यूल्स में होता है. ठीक है, तो लेट मी मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल में क्या क्या कंटेंट है, बिजनेस के जो नेसेसरी रूल्स है टू मैनेज एंटायर प्रोडक्शन, वो यहाँ पर प्रोसेस होते हैं. इस मॉड्यूल के अंडर आपके कंबाइंड टेक्नोलॉजी होती है, बिजनेस प्रोसेस जो हो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन होगा, हर बिजनेस का एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन निकाला जाएगा कि भाई मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है, किस तरह से कंपनी को ये करना है. इट ऑल्सो प्रोवाइड फ्रीडम टू चेंज द मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग मेथड. तो आप अपना आराम से इसमें मॉड्यूल, अगर ये वाला इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसमें आप अपना मेथड भी चेंज कर सकते हो, प्लानिंग किस तरह से और अच्छे से आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है मैन्युफैक्चरिंग के, वो सारा चीज़ इस मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल के अंदर है. नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल. प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल में क्या क्या होगा, यहाँ पे तो मटेरियल रिक्वायरमेंट तो होगा, साथ में पार्ट्स प्रोक्योरमेंट होगा, वेयरहाउस मैनेजमेंट होगा, क्योंकि वेयरहाउस क्या, जहाँ पे ऑल द डेटा, ऑल द थिंग्स आर, तो वो कलेक्ट होगा. प्रोडक्शन अकाउंटिंग होगा कि कितना आया, कितना गया, कैसे वो होगा. प्रोडक्शन कंट्रोल होगा कि किस तरह से कंट्रोल करना है हमारा हर प्रोडक्शन का. ये सारी प्लानिंग और ये करने के लिए प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल है. ये मॉड्यूल क्या होता है, ऑप्टिमाइज कर रहा है, क्या रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज कर रहा है, टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू प्लान द प्रोडक्शन, किस तरह से प्रोडक्शन होना चाहिए, और ये रिक्वायर्ड एलोकेट ऑप्टिमल रिसोर्सेज यूजिंग डेटा एंड सेल्स फोरकास्टिंग. नेक्स्ट वी आर हैविंग
एचआर मॉड्यूल, यहाँ पे आपको सारे एचआर, यहाँ पे क्या होगा आपके सारे, जैसे कि रिक्रूटमेंट होगा, कितने को मैन पावर कितना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट यहाँ होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है, पेरोल कैसे चल रहा है, रिपोर्टिंग क्या कर रहा है, तो ये एचआर मॉड्यूल का काम है। और यहाँ एचआर मॉड्यूल्स में अपडेट होगा एम्प्लॉय का डेटाबेस, एम्प्लॉय का सैलरी होगा, डिटेल्स, हर चीज़ जो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है वो सारी चीज़ यहाँ पे इस मॉड्यूल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, इन्वेंट्री कंट्रोल मॉड्यूल। इसमें यहाँ पे सारी चीज़ इन्वेंट्री से रिलेटेड है। पहले डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है, या डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा भाई कि किस तरह से आपका मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ वो मॉड्यूल में लेगा। प्रोडक्शन अगर मैनेजमेंट है, परचेस मॉड्यूल है, कस्टमर मास्टर है, इन्वॉल्व है, चालान है, चालान मतलब आपका एक और जो कट रिसिप्ट होता है जिसपे इन्वेंट्री स्टेटस होगा, सारी चीज़ ये रिलेट करेगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट मॉड्यूल में। और यहाँ पे सारे रिलेट, कितना स्टॉक है, कितना आ रहा है, कितना रखा हुआ है, सारा चीज़ ये मैनेज अप करेगा इन्वेंट्री में, कितना स्टॉक रिक्वायर्ड है, सारी सेटिंग होने लगती है और टू अचीव द टारगेट। नेक्स्ट इज परचेस मॉड्यूल। यहाँ पे आपको हर तरह का परचेसिंग मॉड्यूल दिखेगा। यहाँ पे आपको दिखेगा आप एक कस्टमर हो तो किस तरह से, एक ऑनलाइन परचेस मॉड्यूल बता रही हूँ यहाँ पे, सप्लायर मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री इंटीग्रेशन है, डिस्काउंट है, परचेसिंग है, तो ये परचेस कितना परचेस करो तो ऑनलाइन ये है। इस मॉड्यूल में क्या आपको हो रहा है, परचेस ऑर्डर जो जितना सप्लायर से कितना आ रहा, बिलिंग क्या है, क्लोजली कनेक्टेड है कि नहीं, इन्वेंट्री फाइनेंस एंड प्रोडक्शन दो सब चीज़ इसमें कनेक्टेड है, इन्वेंट्री फाइनेंस एंड प्रोडक्ट प्लानिंग। नेक्स्ट इज मार्केटिंग मॉड्यूल। ये रिलेट करेगा आपको मार्केट से रिलेटेड। मैं एक सिंपल डायग्राम डिजिटल मार्केटिंग का दिखाया है। यहाँ पे आपको क्या मार्केटिंग क्या है, कितना अभी कौन सा मार्केट में किस तरह से प्रोडक्ट अवेलेबल है और कितना डिमांड है, तो सारे चीज़ इस मार्केटिंग मॉड्यूल में। ये अपना SEO भी दिखाएगा, वेबसाइट भी, वीडियो मार्केटिंग भी, ईमेल मार्केटिंग, हर तरह का मार्केटिंग इस कंटेंट में होने वाला है। और इस मॉड्यूल में आपका किस तरह से कस्टमर को ट्रैक करना है, किस तरह से अट्रैक्ट करना है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हम कौन सा एलिमिनेट करना है जिससे कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो, ना क्रेडिट रिस्क हो, ये सारी चीज़ मार्केटिंग मॉड्यूल के अंदर होता है। और नेक्स्ट इज सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल। यहाँ पर ऑल ये एक साइकिल दिखा रहा है, सेल्स ऑर्डर, अवेलेबिलिटी चेक, आउटबोर्न डिलीवरी, ट्रांसपोर्शन, पिकिंग, गुड, ये एक सेल्स एंड और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक सप्लायर है, अब वो किस तरह से जा रहा है भाई, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ये दिखाने वाला है। और इस मौसम में आपको शेड्यूलिंग होना, डिस्पैच और इनवॉइस जनरेट होता, दैट इज़ योर रिसिप्ट। और ये भी बहुत क्लोजली इंटीग्रेट विद द कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, मतलब अब मैं आपको ये जो और दिखा, ये ई कॉमर्स है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट से ज़्यादा रिलेट होता है। नेक्स्ट इज योर लास्ट नॉट द लीस्ट क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल। यहाँ पे आपकी सारी क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, कितना स्पेसिफिकेशन है, स्टाफ कितने कॉम्प्लीमेंट्री, डेवलपमेंट कितना है, इंसिडेंट के, ये सारी चीज़ इस मॉड्यूल से रिलेटेड है। और ये क्वालिटी का इंस्पेक्ट करना, ये सारी चीज़ें जो भी इश्यूज है क्वालिटी के रिलेटेड, वो सारा इस मॉड्यूल के अंदर आप कंट्रोल अप करते। तो होप यू एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ERP। थैंक यू, जजाकल्लाह खैर। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।